आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम कुमारी कंचन है। बताइए। मेरा प्रॉब्लम है मैम कि एलर्जी है। कैसी एलर्जी? एलर्जी मतलब बहुत खुजली होता है। और क्या एज बताइए? एज 48। ठीक है, चलिए ये बहुत आसान नुस्खा है। आपके पास कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, अलसी लीजिए 100-200 ग्राम खरीद लें और उसको साफ सूफ करके, कंकर होते हैं अक्सर, थोड़ा सा भून लें, बर्तन में डाल के थोड़ा सा भून लें, फिर इसको पाउडर बना लें और आधा चम्मच से एक चम्मच तक अलसी लें और आधी चुटकी सोडा खाने वाला, ये चुटकी है इसकी भी आधी चुटकी खाने वाला सोडा इसमें मिलाकर रोज़ाना एक या दो बार खाया करें और गर्म पानी पिएं इसके बाद, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं संजीव बनारस से हमारे साथ, स्वागत है संजीव आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आदाब। हकीम साहब से बात। जी। हाँ हकीम साहब नमस्कार। जी आदाब, बताइए। हाँ सर, संजीव द्विवेदी बोल रहा हूँ मैं। सर मेरी उम्र जो है 42 साल है और अभी हमको मार्च में जो है जो लॉकडाउन जो जब शुरू हुआ था जो है उसी दौरान मैं किसी हॉस्पिटल में गया और अपनी जो है चेकिंग कराया तो मेरा जो है शुगर काफी बढ़ा हुआ था जो है। ठीक है। तो उस दौरान मैं खाना वाना ऐसा कुछ खा करके ही गया था तो मैं जो है मेरी शुगर काफी बढ़ी हुई थी तो वहां पर जो है चेक किया गया तो वो लगभग 500 के आसपास बताया। खाने के 1.5 घंटे 2 घंटे बाद 500 के आसपास शुगर जो है उन्होंने चेक किया तो मैं काफी घबरा गया जो है। तो मैं फिर रिटर्न हुआ तो मैं पास में एक लैब है मैंने वहां चेक कराया तो वहां भी शुगर काफी बढ़ा हुआ था जो है उसमें 507 ऐसा करके आया। तो फिर हमको मतलब मैं काफी घबरा गया जो है तो आयुर्वेदिक दवा तो सर ले रहा हूँ लेकिन कुछ ऐसा नुस्खा जो कि मतलब इसको परमानेंट कंट्रोल करे। और खान पान में जब मैं रोटी वगैरह खाता हूँ तो जैसे 4-5 रोटी अगर खाने मतलब सुबह में 10-11 बजे अगर खाता हूँ तो फिर वो थोड़ा बढ़ जाता है काफी जो है। अगर 1-2 रोटी खाता हूँ तो कंट्रोल में रहता है। तो क्या मतलब हम लोगों को 1-2 रोटी ही खाना चाहिए और कुछ ऐसे नुस्खे भी बताएं जो कि मतलब अपने को लाभ दें? ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत अच्छा किया आपने फ़ोन किया और अभी आपकी शुगर पुरानी नहीं है तो शायद आपको फ़ायदा भी हो जाए पूरा। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो शुगर बढ़ती है वो चावल, आलू और रोटी से बढ़ती है। और हाँ, वाकई आपने सही कहा कि शुगर वाले को अपनी डाइट आधी लेनी चाहिए, अगर 4 रोटी की खुराक है 2 रोटी खाया करें। और जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी खाने के बाद की डायबिटीज़ तकरीबन दुगनी या उससे भी ज़्यादा हो जाती है दवा लेने के बावजूद भी, तो उससे मत घबराइए। जो खाने के 2 घंटे बाद की शुगर है ना तो वो 200 कुछ हो जाती होगी आपकी, 200-250, तो उससे मत घबराइए। आपकी खाली पेट की शुगर जो सुबह आप करते हैं 12 घंटे में तो वो कंट्रोल रहनी चाहिए और नुस्खे भी हैं, आप जो दवा लेते हैं वो भी लें। और जैतून का सिरका आता है, जैतून का सिरका ये दिन में और रात में 2 बार भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो 2 बार ले, नहीं तो 1 ही बार काफ़ी है। 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रात को लेकर सोया करें और अपनी दवाएं भी लें तो आप सारी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजार सकते हैं, कंट्रोल रहेगी आपकी शुगर, मुझे ऐसी उम्मीद है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं रेनू राजस्थान से हमारे साथ, स्वागत है रेनू आपका। जी सर नमस्कार। जी आदाब। नमस्कार, सवाल कीजिए। जी आदाब। हेलो, बताइए, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप सवाल कीजिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ मैडम। बताइए। उसका वेट तो बढ़ता जा रहा है, वेट उसका कम करने के लिए कुछ बताइए आप। एज कितनी है बच्ची की और वेट कितना है? वेट तो अभी मैंने तौला नहीं है पर फिर भी 55 के आसपास है। एज? और एज 17 साल। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है 17 साल में,
फिर भी आप कम करना चाहते हैं तो एनिमल फैट बंद कराएं, 5 गिलास गर्म पानी पिलाएं रोज़ाना, 1 घंटा पैदल चलने को कहें, तो बगैर दवा के भी आपकी बच्ची तंदुरुस्त रह सकती है और वेट कंट्रोल रह सकता है। और दवा भी अगर चाहिए तो घरेलू नुस्खा है बड़ा अच्छा, देखिए 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंठ, इसको आप 2 गिलास पानी में उबालें और इतना उबालें कि 1 गिलास रह जाए, तो फिर ये बच्ची 1 गिलास पानी पिया करे और इसका बचा हुआ जो हिस्सा दवाई का है वो रखे और शाम को भी इसी को उबाल के पिए तो भी वजन कम होना मुमकिन है। चलिए अगली कॉलर से बात कर लेते हैं। सुशील हैं पटियाला से हमारे साथ, स्वागत है सुशील आपका। आदाब अर्ज़ हकीम साहब। जी आदाब जनाब, मेरी उम्र है 48 साल है। मुझे शरीर कमजोरी हो रही है। अच्छा, कुछ और कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। बस जनाब यही जो आप समझ रहे हैं। एक नुस्खा बता दूं जो मर्द हजरात 40 के बाद की एज में पहुंचते हैं उनको जिस्मानी और मर्दाना कमजोरी 1-2 बार होती है और उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आप लिख लें। देखिए अश्वगंधा 50 ग्राम और हल्दी 50 ग्राम, अलसी 50 ग्राम और इसमें मिलाइए 100 ग्राम गौन मोरिंगा। गौन मोरिंगा ज़रा मुश्किल से मिलेगा और नकली भी मिलता है, गौन मोरिंगा असली लेना, बाकी तो चीज़ों की आपको पहचान है ही। पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम दिन में 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं, आपकी जो कमज़ोरियां हैं जिस्मानी और मर्दानी उनका वापस आना मुमकिन है। जी, इनके लिए कोई मेडिसिन? हाँ, अगर मेडिसिन के रूप में कुछ लेना चाहें तो हुस्न सुलेमानी कैप्सूल आता है, हुस्न सुलेमानी, तो वो ले सकते हैं, आपको वो भी यही काम करेगा। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं सुरेंद्र हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार। जी आदाब। जी बताइए। मेरे जो है सर ये बाएं घुटने में और ये इसमें जो है बाएं बाजू में और बाई तरफ सिर तक दर्द रहता है। जी एज बताइए। सर मेरे जो है बाएं में घुटने में और बाएं बाजू में और बाएं शरीर में बाएं साइड में जो है सिर तक दर्द रहता है सिर तक। बेटा आयु बताइए अपनी, एज बताइए। एज मेरी 47 साल है। और कितने दिन हो गए इस दर्द को? ये कम से कम साल हो गए। अच्छा देखिए, एक नुस्खा लिख लीजिए आप और वो आप खाइए और आपके ये सारे दर्द का ठीक होना मुमकिन है। मेहनत ना करें इलाज के दौरान ज़्यादा, और धनिया सौंफ अलसी हल्दी और गौंसिया, ये 5 चीज़ें हैं, 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाना शुरू करें, ये मटेरियल ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं परमानंद पलवल से हमारे साथ, स्वागत है आपका। टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले कम कीजिए वरना आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मुझे वो एलर्जी है। एलर्जी आपको? हाँ। कहाँ पर? ये एलर्जी है ये कमर में। कहाँ पे? और शरीर में होती एलर्जी तो एलर्जी में क्या है? पूरी बॉडी में इनकी एलर्जी है। नहीं, किस सूरत में होती है? खुजली होती है, छाले आते हैं? हाँ खुजली होती है। ठीक है, एलर्जी का अच्छा इलाज है, आप खुद कर सकते हैं अपने किचन से। और वो आपके किचन में जो अलसी होती है वो 100-200 ग्राम अगर नहीं हो तो बाज़ार से ख़रीद लें, हल्का सा भून के पाउडर बना लें और 1 चम्मच अलसी और आधी चुटकी
खाने वाला सोडा मिलाकर दिन में एक बार या दो बार चंद रोज आप खाएंगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर है राजकुमार मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी जी प्रश्न कीजिए अपना। थायराइड की दवा चाहिए। थायराइड है आपको? क्या उम्र है, कब से है, कौन सी गोली लेते हैं, कितने पावर की? अब तो 75 एमजी की चेप्स होगी, करनी पड़ेगी। एज बता दीजिए अपनी। एज 50 हो गई। अच्छा देखिए, क्यों ना मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि आपका थायराइड को फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपको फॉलो करना होगा अपने डॉक्टर को भी और मेरे नुस्खे को भी। अपने डॉक्टर की बताई हुई दवाई आप खाते रहें जैसे वो बताएं, और हर महीने आपको फिर टेस्ट भी कराना है थायराइड का, ताकि आपको ये पता चले कि आपको हर महीने कितना फ़ायदा हो रहा है। धनिया, आंवला, मेथी। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम। फिर बता देता हूँ, बहुत लोग सुन रहे होंगे, अच्छा इलाज माना जा सकता है इसको। धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेकर आप पाउडर बना लें और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम पानी के साथ, ताज़ा पानी या गर्म पानी लेंगे तो बहुत अच्छा है। इसको आप दिन में दो बार ले सकते हैं उस गोली के साथ भी जो आपको थायराइड की डॉक्टर दे रहे हैं, और आपको अच्छा लगेगा कि हर महीने आपका थायराइड कम होने लगा और आपके डॉक्टर खुद आपकी गोली की पोटेंसी कम करते करते छुड़ा देंगे, और ये जो मटेरियल मैंने बताया ये ख़त्म होते होते मुमकिन है आप ठीक हो जाएं। चलिए आप ठीक और बेहतर ज़रूर हो जाएंगे, ये घरेलू उपचार बस आप अपना ज़रूर लीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ आशा हैं दिल्ली से, स्वागत है आशा आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। आदाब। नमस्कार जी। जी आदाब आशा जी, कैसी हैं आप? मेरे को दर्द रहती है, 40 साल हो गए मुझे दवाई खाते हुए। अच्छा, कहाँ दर्द है, कितनी उम्र है आपकी? पूरी नस नस में, हड्डियों में कमजोरी, वजन बढ़ा हुआ है, बहुत दर्द होता है, मेरे सर्वाइकल भी है। ठीक है, आपके पास पेन कॉपी है? पेन कॉपी तो नहीं, आप बता दो, वैसे मैं पढ़ी तो नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए भाई आप लिख लिए, लिखवा लीजिए, किसी पड़ोसी से लिखवा लीजिए, किसी से भी लिखवा लीजिए, एक बड़ा अच्छा नुस्खा है। और 40 साल से आप तकलीफ में हैं, मुझे उम्मीद है कि आप 3-4 महीने में आपको फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन 2-3 बातें आपको करनी हैं। एक तो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना, जो कुर्सी वाला होता है, घर में नहीं हो तो दवा से पहले वो लगवा लें, ये बहुत ज़रूरी है। फिर एक्सरसाइज बताऊंगा एक, और एक दवा बताऊंगा। एक्सरसाइज ये है, ऐसे सीधा बैठे मेरी तरह, और ये आपको ऐसे जितना भी आपको मुमकिन हो 2-4 मिनट रोज़ाना करना ही है। और देखिए ये ऐसे बहुत आसान नहीं है, मैं आसानी से कर रहा हूँ, आपको नहीं होगा, तो ये करने की कोशिश करिए। एक ये ऐसे पूरी तरह यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए ठोटी को अपनी, और ये भी 2-4 मिनट करिए। इस ये तो आपके सर्वाइकल का इलाज है, और 10 दिन में एक अच्छा रिजल्ट आता है इसका, आप यकीन करें और एक्सरसाइज करें। और एक गोंद आता है, गोंद स्याह ले लीजिए, असली लेना, गोंद स्याह यानी काला गोंद। गोंद स्याह 100-200 ग्राम खरीद लें और रोज़ाना इसको पाउडर बना लें, 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम खाएं, खाने के बाद, और 8-10 दिन के बाद रिजल्ट आएगा इसका, और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं चलसा देवी हमारे साथ, स्वागत है आपका। चलिए लगता है आपसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा, लगता है एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी हेलो,
बहुत सारे कॉलर्स होते हैं जिन्हें हकीम साहब से बात करनी होती है, तो आप एक बार फिर से अपनी कॉल ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा, जरूर आपकी बात हकीम साहब से हो जाएगी। यूनानी पद्धति से जुड़ना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात दर्शकों, देखिए आप अकेले नहीं, आपका पूरा परिवार सफर करता है, ये बात आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं। आपको कोई रोग हो जाए छोटा सा, आपको लगता है कि थोड़ी बहुत मेडिसिन ले लेते हैं और हमारा रोग जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन एक रोग के खत्म करने के चक्कर में आप लोग कितने सारी परेशानियों का सामना करते हैं, यानी आपको एक रोग नहीं लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है, फिर आप उसी रोग के सहारे अपना पूरा जीवन यापन करते हैं और फिर आप थक जाते हैं, आप लोग दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसा क्यों करना जब आपके पास एक सटीक उपचार है, घरेलू उपचार जो आपके हर एक रोग को जड़ से खत्म कर सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को नुस्खे जानने की जरूरत है, और वो नुस्खे आप लोगों को कौन बताते हैं, हकीम साहब। तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं।